राम राम जी। और क्या मजा आ रही है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि वो जापान आना चाहते हैं और वो कैसे आ सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है और वो जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर और कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर, ये सारी सारी चीजें। तो इस वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा। जापान में नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? हाँ, एक काले कलर का सूट। अब 90% नौकरियों में काला सूट पहनना पड़ता है, ये यहाँ पर ऐसा ही चलता है। सूट तो तुम्हें पहनना ही पहनना पड़ेगा यहाँ पर, तो अच्छा अपना सूट लेके आना, काले कलर का, ब्लैक, फुल ब्लैक। जापान आने के कई तरीके हैं। जैसे पहला, एक तो नॉर्मल जैसे टूरिस्ट वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा पे आओ घूमो, 3 महीने का मिलता है वो, आओ घूमो फिरो और मस्त वापस चले जाओ। एक होता है स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा पे आप अप्लाई करते हो। स्टूडेंट वीजा दो तरह का होता है। एक होता है जैसे यहाँ पर जैपनीज लैंग्वेज स्कूल होते हैं, उनमें आपको आके लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, भाषा वो। और या फिर होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कि 1 साल जैसे आपकी डिग्री है ना, 3 साल की या 4 साल की जो भी डिग्री है, उसमें 1 साल आपको वो एक्सचेंज स्टूडेंट, जापान से कोई स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में जाएगा और वहाँ की यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट यहाँ पर आएगा। तो 1 साल के लिए होता है वो, 1 साल, 11 महीने, ऐसे ही 9 महीने, अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, वैसे आ सकते हो। और एक होता है बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा में आपको अपने अकाउंट में पैसे दिखाने पड़ते हैं, कितने, 20-25 लाख रुपए, और उसके बाद आप यहाँ पर आते हो और आप बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपके पास पैसे हैं तो। तो वो गवर्नमेंट को बेसिकली वो दिखाना होता है कि आप बिजनेस करने लायक, आपके पास पैसे होने चाहिए, खर्चा उठाने के पैसे आप पे होने चाहिए ये। और एक और होता है जैसे जो शेफ होते हैं ना, बावर्ची, उनके लिए आसान होता है क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडियन रेस्टोरेंट है कई सारे, नेपाली चलाते हैं मोस्टली तो, पर इंडियन भी चलाते हैं, तो वो भी एक डायरेक्ट वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर जैसे कोई शेफ है वो यहाँ पर आना चाहता है तो उसको वीजा यहाँ से दे देंगे वो, और वो यहाँ पर आके फिर उसका शेफ का वीजा होगा, वो यहाँ पर आके रेस्टोरेंट में काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, उसके अलावा कुछ और चीज़ करेगा तो जेल हो जाएगी। तो उसके लिए पैसे लेते हैं वो, जैसे सबका अपना मन मर्जी का रेट है, कोई 5 लाख रुपए मांगता है, कोई 6 लाख रुपए मांगता है, कोई 7 लाख रुपए मांगता है। और एक रहता है नॉर्मल जॉब की तरफ से आप यहाँ पे ट्रांसफर होते हो, जैसे आप किसी अगर जैपनीज कंपनी में काम करते हो ना ठीक ठाक सी, जैसे टोयोटा, निसान, सेको और कई सारी जापानीज कंपनी है, उनमें, यामा वामा, उनमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पर भेजते हैं जापान में। एक और चीज़ है बढ़िया सी, जैसे पंडित होता है मंदिर में, पंडित होता है और गुरुद्वारे में ग्रंथी जो होता है ना, गुरुद्वारे का जो वो होता है पंडित टाइप, और जैसे क्रिश्चियन के चर्च के वो रहते हैं फादर, तो वैसे भी वो भी आ जाते हैं यहाँ पर, वो उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइड, वो यहाँ पर आके अपना धर्म फैलाते हैं। जैसे जैसे मस्जिद है यहाँ पर कोई अगर, तो उसमें फिर वो नमाज पढ़ने वाला भी तो चाहिए, तो वो इंडिया से या किसी और पाकिस्तान से जहाँ से वो बुला लेते हैं, हमारे रिलीजन की अच्छी बातें यहाँ दुनिया में बताएगा जापान में लोगों को, तो उससे जब लोगों का भला होगा। बुद्धिज्म का भी होता है ऐसा यहाँ पर, हिंदू का पता नहीं, मैंने हिंदू पंडित तो देखा तो नहीं कोई कम, सरदारों का भी होता है और क्रिश्चियन का, वो चर्च वाले तो बहुत सारे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि हम संडे हमारे चर्च आओ, हमारे चर्च आओ, क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं करना, वैसे उन्हें अपने चर्च में बैठना या फिर जो भी मंदिर मस्जिद जो भी है वहाँ पर बैठ के अपना धर्म का काम करना, ईजी लाइफ। खर्चा भी उनको गवर्नमेंट खर्चा भी देती है, वो तो सबसे सही है, पर उस तरह का इंसान होना चाहिए। अगर तुम वो नहीं हो तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जापानीज आनी चाहिए, किसी भी चीज़, टूरिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो प्रॉपर जॉब की तरफ से आ रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आते हो और आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो, जैसे आप पहले आपको जापनी सीखनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन ये होगा मेरा कि आप इंडिया में या जिस भी देश में रहते हो उसमें जापनी सीख लो, बेसिक लेवल, मतलब हल्की पुतली बात बात कर सको या अपनी मन की हल्की बात बता सको, ऐसे भी कहते खींच के बातचीत नहीं करनी, पर हल्की अपनी मन की बात बता सको कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चोट लग गई, दर्द हो रहा है, नींद आ रही है और सर दर्द है, ये सब इतना सब कुछ भी अगर बता सकते हो तो सर्वाइवल हो जाता है। तो उससे स्टार्ट होता है कि आप फिर एक लैंग्वेज स्कूल में जाओगे, कोर्स रहते हैं 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, 1 साल, 1 साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने, तो वो अगर अब कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद आपकी जैसे लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपको भाषा आने लग जाएगी, बोलने लग जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू दो और इंटरव्यू में आप हो जाता है, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही। और हाँ, जैसे इंडियंस के लिए होता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक, एक ऐसी खींच के तगड़ी वाली भी नहीं चाहिए, बस कम्युनिकेशन कर पाओ। आप जॉब कर सकते हो दो तरह से अप्लाई, एक तो टूरिस्ट वीजा पे आए और यहाँ पर फिर जॉब अप्लाई करी और इंटरव्यू दिए, अगर मिले तो इंटरव्यू दिए और हो गया, किसी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी किसी कंपनी ने कि हाँ भाई हम तुम्हें भर्ती कर लेंगे अपने पास, ठीक है तुम्हारा वीजा हम लगवा देंगे, तो अच्छी बात है, फिर तो हो सकता है। उसके लिए भी जापनीज आनी बहुत जरूरी, यहाँ पर अगर जापनीज नहीं आती ना तो
अजीब सी नजरों से देखा जाता, तो मैं बोलते ये पता नहीं कहाँ से बाहर से आ गया पागल सा, इसको कुछ पता वता तो है नहीं, ऐसी इमेज से ऐसे देखते हैं वो, सोचते हैं कि यार ये तो आफत ही है, इसको क्या बताएंगे, क्या समझेगा ये। तो लैंग्वेज स्कूल में जाओगे, आराम से पढ़ो, 6-7 महीना पढ़ो, उसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब एक हफ्ते की 28 घंटे अलाउड होती है, और जैसे टोक्यो या ओसाका जैसे जो शहर है, अच्छी जो सिटीज़ है, उसमें मिनिमम जो चार्जेस होते हैं, मतलब मिनिमम जो पे होती है पर आवर की होती है 900 येन के आसपास, यानी 500 रुपये एक घंटे के आसपास। तो आप ओवरऑल जैसे हर हफ्ते 28 घंटे कर भी लेते हो, कभी 25 कभी 28, तो एक ओवरऑल 100 घंटे से ऊपर, एक महीने में 100 घंटे से ऊपर हो जाते हैं आपके। तो आप कम से कम 1,30, 1,40, 1,40 येन, 1,50 येन के आसपास आपको मिल जाते हैं, और उसमें खर्चा वर्चा मस्त निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको जैसे फीस भी भरनी है ना, अगर जैसे शुरू में 3 महीने की फीस आपने दे दी, 3 महीने की, 6 महीने की, अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ स्कूल होते हैं जिनमें 1 साल की फीस भरनी पड़ती है शुरू में, कुछ स्कूल होते हैं जिनमें 3 महीने की भर सकते हैं, 6 महीने की भर सकते हैं। तो 2.5-3 लाख रुपये लगेंगे हद से हद, उसमें 6-7 उसमें 3-4 महीने की फीस हो जाएगी, आपकी फीस हो जाएगी, हॉस्टल वॉस्टल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर खुद ही पार्ट टाइम जॉब करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके, अयासी वयासी थोड़ा भूल भाल के, फिर अपनी तुम फीस भी खुद भर सकते हो और अपना खर्चा भी खुद उठा सकते हो। अगर थोड़ी बहुत अयासी की चुल उठती है तो थोड़ी बहुत कर लो, उसके बाद ठीक है, हो जाता है खर्चा, हो जाता है, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, फिर तुम अपनी जो स्कूल है, तुम्हारा जो लैंग्वेज स्कूल है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर तुम इंटरव्यू देना चालू करोगे। एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, 10-12 कंपनी, 20 कंपनी लाइन से लगा दो, इंटरव्यू दे दे के एकदम रट जाओ अपना सारा रिज्यूम। अरे हाँ, और जापानीज रिज्यूम बनाना होता है तुम्हें, इंग्लिश वाला रिज्यूम यहाँ पे घंटा कोई नहीं, कुत्ता नहीं पूछता। जापानीज रिज्यूम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, कंप्यूटर से बना दिया आपने वर्ड पे और प्रिंट निकाल के वो दे दिया। एक तो रिज्यूम वैसा होता है, एक रिज्यूम वैसा होता है, और एक होता है हाथ से लिखना पड़ता है रिज्यूम पूरा तुम्हें। हाँ, उससे फिर तुम्हें जज करते हैं कि कितना मेहनती है, या वो हाथ से पूरा रिज्यूम लिख के अगर हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए इतना कर सकता है तो आगे काम भी कर लेगा। और फिर उसमें आधे सोचते कि अरे हाथ से लिखो ये क्या आप पता है, मैं नहीं लिख रहा, वो आधे तो अप्लाई ही नहीं करते इस चक्कर में। तो हाथ से लिखा हुआ रिज्यूम जापान में बहुत ज़्यादा चलता है, पार्ट टाइम जॉब में भी, फुल टाइम जॉब में भी, जो प्रिंट आउट वाला भी चल जाता है, मैं तो मोस्टली प्रिंट आउट वाले देता हूँ, पर मैंने हाँ हाथ से भी लिख लिख के मैंने दिया, पर मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है तो जब जहाँ भी मैंने हाथ से लिख के दिया ना रिज्यूम, मेरा वहाँ पर इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आई। तो मैं तो अपना प्रिंट वैप बोलता हूँ भैया, 10 में से 5 कंपनी अप्लाई करूंगा, पर मैं सिर्फ प्रिंट आउट वाला दूंगा, क्योंकि हाथ वाला दिया 10 को तो 10 की 10 से रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो आप इंटरव्यू देते हैं, आप इंटरव्यू देते हो 10-12 इंटरव्यू दो, 20 दो, लाइन से फिर आदत पड़ जाती है ना इंटरव्यू देने की। और फिर इंटरव्यू के जो मैनर है ना बहुत अलग है, एक बड़ा भसूड़ी रहती है, जापानी अपने ही चलाते हैं, अपना ही इनका सिस्टम रहता है, उसी हिसाब से करना पड़ता है, तो उसकी आदत डालनी पड़ती है सीखते सीखते, एकदम से नहीं होता किसी का भी, चीज़ ऐसे झुकना पड़ता है और जन क्या क्या करना पड़ता है यार, बड़ी आफत है। पर एक बार जैसे प्रैक्टिस होती जाती है ना, तो फिर तुम सीखते जाते हो और फिर उसे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, और फिर तुम्हारी नौकरी पक्की चक। और फुल टाइम जॉब जब लग जाती है, मिनिमम वेजेस जैसे 1,80,000 येन है मिनिमम गवर्नमेंट ने तय कर रखी, एक किसी किसी स्टेट में 1,70 भी है, पर उससे कम तो कम नहीं है ऐसा बिल्कुल ही। अगर गांव पाँव में चले जाओ तो पता नहीं इतने तो मिल ही जाते हैं, इसमें तुम्हारा खर्चा चल जाता है, तुम्हारा रेंट निकल जाता है, बस फिर बात वही है कि अय्याशी की चिल्ली उठी है तो फिर तो कितने ही पैसे लग जाए कम है, पर तुम्हारे खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी। घर पे खाना वाना बनाते हो और बाहर ज़्यादा नहीं खाते हो, ईटिंग आउट रोज की रोज रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे, बाहर घर पे खाना बना के खाते हो, तो तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे ठीक ठाक से। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि जहाँ पर भी हो, तुम जिस भी देश में रहते हो, थोड़ी थोड़ी जापानी सीखना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें जापान में आना है। होप इस वीडियो से किसी का भला हो जाएगा, किसी को कुछ नॉलेज मिली होगी, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा तो आराम से कर लेना बाद में, कोई जल्दी नहीं है ऐसी मेरे को। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जापान के बारे में नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। अच्छा जी, रहूँ।